तो जब आपकी सोच अच्छी है तो वोट क्यों नहीं मिलते आप? आरएसएस हिंदुओं के लिए काम करती है, एसडीपीआई मुसलमानों के लिए काम करती है, पर खरीदने की कोशिश की जा रही है उलमा इकराम को अपने स्टेजों पर लाकर। जब इलेक्शन करीब आने का अंदेशा दिखा, सब लोग सोशल वर्कर बनकर ग्राउंड पर नजर आ रहे थे। वाहद कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल लेवल पर बीजेपी को रोक सकती है। डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं कांग्रेस कनिष फातिमा के एमएलए पीरियड्स में, तमाम चीज़ें बखूबी अच्छे हो रहे हैं। जो दीगर मुखालिफिन हैं वो लोग हमेशा से उनके खिलाफ वो तो नाराज़गी बताते ही आएंगे कि एसडीपीआई से एक उम्मीदवार आपने खड़ा किया था, जब वो जीत कर आया तो वो एसडीपीआई की छोड़कर कांग्रेस में चला गया। उबरगा शहर के जो 55 वार्ड्स को जो डिलिमिटेशन करके जो चेंजेस किए गए हैं, इसको एसडीपीआई किस नज़र से देखती है? जिस तरह से आप तमाम लोग जानते हैं, गुलबर्गा शहर में महानगर पाली के इलेक्शन चल रहे हैं। गुलबर्गा हेडलाइंस की तरफ से चुनाव फीवर एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसके दो एपिसोड हो चुके हैं। तीसरे एपिसोड में हमारे साथ एसडीपीआई से अब्दुल रहीम पटेल साहब मौजूद हैं। हम आज एसडीपीआई के ताल्लुक से लोगों के जहन में जो सवाल हैं उसको अब्दुल रहीम पटेल साहब से पूछने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से महानगर पालिके में एसडीपीआई के भी कुछ कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अब्दुल रहीम पटेल साहब का गुलबर्गा हेडलाइंस के चुनाव फीवर इस एपिसोड में तीसरे एपिसोड में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया रहीम पटेल साहब। जिस तरह से हम देख रहे हैं गुलबर्गा महानगर पालिके के जो ये चुनाव चल रहे हैं, इसमें कई कांग्रेस जेडीएस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कई दीगर पार्टीज़ के यहाँ पर कैंडिडेट मौजूद हैं और कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें एसडीपीआई की तरफ से कितने कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पर उतार रहे हैं, कौन से वार्ड से आपके कैंडिडेट लड़ेंगे और क्या मकसद आपका है इस बार महानगर पालिके के इलेक्शन में? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इलेक्शन फीवर का सीरीज़ आपने सही वक्त पर बनाया है, ताकि जो पब्लिक है, जो वोटर्स है, वो जागरूक हो और किस पार्टी को चुने, किस कैंडिडेट को चुने और उनके क्या मुद्दे हो, सही टाइम पे सही टॉपिक के ऊपर आपने आपका प्रोग्राम आया है। इससे मैं समझता हूं कि पब्लिक को वोटर की जो अहमियत है और क्या इशू के ऊपर वोट देना है, इलेक्शन किसे कहते हैं, इस फीवर जो प्रोग्राम के ज़रिए से क्लियर आएगी। मैं उसका मुबारकबाद देता हूं। आपको जो सवाल था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को इलेक्शन कर लेकर, इस बार गुलबर्गा में हम लोग 14 से 15 आउट ऑफ 54 जो वार्ड्स हैं उसमें इंशाल्लाह ठहराने की कोशिश करेंगे। 14 से 15 अब तक 11 वार्ड्स हमारे पास कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आ चुका है। इंशाल्लाह कल या परसों में पूरे वार्ड्स का डिक्लेरेशन इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। क्या मकसद रहेगा इस इलेक्शन में? महानगर पालिके के इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं तमाम वार्ड्स में कई ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर लोग परेशान हैं। लोगों की ये उम्मीद है कि एक बेहतर कैंडिडेट हमारे बीच जीत कर आए, तो उसमें से एसडीपीआई कौन से ऐसे कैंडिडेट्स को उतारेगी और उनका क्या मकसद होगा? क्या आप लोग जो है ना थिंक रखते हैं कि क्या डेवलपमेंट आप देना चाह रहे हैं लोगों को? देखिए, कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होता है उसका एक दायरा होता है। पब्लिक को यानी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको कॉरपोरेशन इलेक्शंस, जिसे यूएलबी इलेक्शंस बोलते हैं, उसके ज़रिए से उनको अपने महल्ले के एक लीडर चुनने का उनको मौका मिलता है। अब गुलबर्गा में, गुलबर्गा महानगर पालिका है जो 8000 से लेकर 12000 का एक वार्ड है। पूरे 8000 से 12000 लोग गुलबर्गा कॉरपोरेशन में जाकर अपने मसाइल नहीं रख सकते और वहाँ से अपने हल नहीं निकाल सकते। डेमोक्रेसी में क्या है, ये 8 से 12000 लोग क्या करते हैं, अपने महल्ले में से एक बेहतरीन आदमी को अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर कॉरपोरेशन को भेजते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि महल्ले में क्या इश्यूज़ हैं कॉरपोरेशन लिमिट में, पानी का, रोड का, नल का, बेसिक एम्यूनिटीज़ का, और कॉरपोरेशन लेवल में बहुत सारे ऐसे बेसिक एम्यूनिटी के इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन होता है। वहाँ पर जाकर महल्ले के लिए क्या सहूलियतें लाना, उसको ये 8 से 12000 लोग मिलकर एक बेहतरीन कैंडिडेट को भेजते हैं। ये होता है कॉरपोरेशन इलेक्शंस का एक डेमोक्रेसी सेटअप में मतलब इसका। लेकिन बदकिस्मती से अवाम को इलेक्शन का मतलब ये होता है कि 15 से 20 दिन में नौजवानों के लिए एक अलग मकसद है, बच्चों के लिए एक अलग मकसद है, बड़ों के लिए एक अलग मकसद है, औरतों के लिए एक अलग मकसद है। नौजवानों के लिए क्या मकसद है, उनको एक 15 से 20 दिन एक क्या बोलते हैं, एक 25 से 50 हज़ार कैसा कमाना, उनके लिए वो मकसद है। औरतों के लिए
कुछ जगह साड़ियाँ का डिमांड करते हैं, कुछ जगह प्रेशर कुकर का डिमांड करते हैं, कुछ जगह 500 का डिमांड करते हैं, कुछ जगह 1000 का डिमांड करते हैं। औरतों के लिए वो इलेक्शन है, बच्चों के लिए जो आदमियों के लिए जो बड़े हैं उन्हों कुछ जगह शराब का उनके लिए 15 से 1 महीने फ्री शराब मिलने के लिए उनको एक मौका है, और उनके कुछ दूसरे जो क्या बोलते हैं बैड एक्टिविटीज़ हैं उसमें मदद मिलती बोल के वो उनके लिए 15 से 1 महीने का उसके लिए एक प्रोग्राम समझते हैं। इलेक्शन किस लिए है वो मकसद ही क्या आलम फौत हो चुका है, तो इसीलिए अवाम उन्नास को ये इलेक्शन में बार बार हम जैसी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये याद दिलाना है कि इलेक्शन के ज़रिए से 5 साल में एक मरतबा आपको महल्ले के लिए, अपने महल्ले के लिए, अपने मसाइल के लिए एक ऐसे आदमी को चुन कर भेजे जो आपके लिए काम करे। हम क्या करते हैं इलेक्शन बोले तो ये 15 दिन कैसा इसको लूटूं, ये कैंडिडेट को कैसा लूटूं, ये कैंडिडेट को कैसा अपनी मफाद के लिए यूज़ करूं, उसको इलेक्शन का मतलब बना के बैठे। जिस तरह से बातें आपकी बहुत अच्छी हैं प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बातें आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वहाँ पर हमको ये देखने में मिलता है कि दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमेशा से जो है ना ज़्यादा सीटें लेकर आती हैं, SDPI कहीं नज़र नहीं आती। तो जब आपकी सोच अच्छी है तो वोट क्यों नहीं मिलते आपको? वही तो बोल रहा, जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है अवामुन्नास को देखिए, 15 अगस्त का 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया है, झंडा हम चढ़ाए, लेकिन हम आज़ादी में कुछ हिस्सा लिए हैं क्या? झंडा इसलिए चढ़ाते हैं कि जो 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, जिस तकलीफ़ से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी किसे कहते हैं उसको समझने के लिए झंडा आज चढ़ा रहे हैं और हम चढ़ा रहे हैं वो एसेंस को बरकरार रखने के लिए। लेकिन इलेक्शन ना इतने ना क्या बोलिए, इलेक्शन का मतलब ये हुआ जो जो सही आदमी को चुन को जो भेजने का जो प्रोसेस है 5 साल में एक मरतबा, वो इलेक्शन का मतलब ही ख़त्म हो गया है। अच्छे लोगों को चुनना, अच्छे पार्टियों को प्रमोट करना, अच्छा मकसद के लिए भेजना, वो ख़त्म हो चुका है। आज हर आज नौजवान क्या देख रहा है, कौन सा पैसे वाला कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है, कौन ताकतवर हमारे पास आ रहा है, कौन जीतने वाला आ रहा है, कौन बड़े ख़ानदान का आ रहा है, किसके पास मसल पावर है, सिर्फ ये देखकर इलेक्शन का बेसिस ये हुआ है, ना कि अवाम के जो तकलीफ़ है, अवाम के जो परेशानियाँ हैं कौन इसका हल करेंगे बोलकर अवामुन्नास को ही मालूम नहीं है कि इलेक्शन किस लिए आए। तो हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, इसके लिए वक्त लगेगा। जब जो SDP ज़मीनी सतह पर उतर कर दो काम करती है, एक अवाम में ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसके बारे में सही तरीके से अवाम को एजुकेट करती है, अपनी वोट की क्या कीमत है वो भी बताती है, और दूसरा हमारे जो खिदमात है, हम अवाम के लिए जो काम क्या किए हैं और हमें क्यों वोट देना है वो भी बताती है। तो जहाँ पर भी जो एजुकेटेड तबका है, जहाँ पर भी समझदार तबका है, वो डेफिनेटली हमारे साथ हैं, हमें वोट देते हैं और हमें जिता के भेजते हैं। ये भी हो सकता है ना, जिस तरह से दीगर पॉलिटिकल पार्टी से जो कैंडिडेट्स हैं और आप जो कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं उसमें हो सकता है आपसे बेहतर हो सामने के जैसे दूसरे दीगर पार्टीज के कैंडिडेट, जिससे लोग उनको वोट डालते हैं। सही कहा, वो कैंडिडेट हमारे से बेहतर हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी पार्टी हैं, कांग्रेस हो, JDS हो, BJP हो, वो लोग क्या देखते हैं इनके पास कितना पैसा है, वो क्या देखते हैं इनके पास कितना मसल पावर है, इनके पास कितने ख़ानदानी वोटर्स हैं और महल्ले में इनका रुबाब कितना है, वो वैसा देखते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या देखती है, इन्हों जीतने के बाद काम करते नहीं देखते हैं, वो देखते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये मियारी नहीं रखती अपने कैंडिडेट में, इन्हों जीतने के बाद काम करते नहीं करते कोई नहीं देखते, सिर्फ इनके पास मनी पावर कितना है, मसल पावर कितना है और ख़ानदान के वोट कितने ला सकते हैं, जीतने की कैपेसिटी कितने वो देख सकते हैं, काम करने की कैपेसिटी कोई पार्टी नहीं देख सकती है, इसलिए वो उस तरह के कैंडिडेट देखते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये जीतने के बाद काम करता नहीं करता है और खुदा ना खास्ता हार रहे हैं, हारे के बाद भी काम करता नहीं करते, हम वो हिसाब से कैंडिडेट देते हैं। इसीलिए हमारा और दूसरे कैंडिडेट में और हमारी पार्टी और दूसरे पार्टी में यही फ़र्क है, वो लोग जीतने के लिए कैंडिडेट देते हैं, हम काम करने के लिए कैंडिडेट देते हैं। आपकी पार्टी को लेकर लोगों के जहन में ये सोच हमने देखी है कि हाल ही में जब भी असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो SDPI अपना एक उम्मीदवार उतारती है, लास्ट में आखिर में कांग्रेस पार्टी को SDPI का सपोर्ट नज़र आता है। ऐसा नहीं है कभी भी,
इससे पहले जब 2013 में जब इलेक्शंस हम लड़े, जब फर्स्ट इलेक्शन जब 2013 में जब एमएलए इलेक्शंस लड़े हम, उस टाइम पर हमारा बीएसपी के साथ अलायंस था। तो बीएसपी को हम जहाँ पर हम ठहरे हम फुल फ्लेज होके इलेक्शन लड़े और हम वोट हासिल किए। 2018 में हमारे साथ किसी का अलायंस नहीं था, हम इंडिविजुअल लड़े हैं। हाँ, हमें वोट्स नहीं मिले ये सच बात है, लेकिन हम इनके लिए खामोश है या उनके लिए खामोश है ऐसा नहीं है। अवामुन्नास गुलबर्गे की बहुत समझदार है, उस टाइम पे 2018 में हमें क्लियरली कहा था कि हम एमएलए इलेक्शंस में हम इस बार आपका साथ नहीं देते, आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शंस में हम आपका भरपूर साथ देते हैं। क्योंकि गुलबर्गा के इलेक्शंस हमें जो अवाम है क्लियरली मैसेज दी थी, हम उसको एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन इनके लिए उनके लिए हम साइलेंट नहीं हुए। एचडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको लेकर लोगों के जहन में जो सोच है, लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से आप एलिगेशन लगाते हैं बीजेपी पर, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, बीजेपी जो है ना आरएसएस मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, एचडीपीआई को लेकर नॉन मुस्लिम हम हिंदू लोगों में ये सोच देखे हैं कि नॉन गैर मुस्लिम लोगों में ये सोच देखे हैं कि एचडीपीआई मुस्लिम आरएसएस है। जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं वो लोगों का यह कहना है कि एचडीपीआई मुस्लिम आरएसएस है, जिस तरह से आरएसएस हिंदुओं के लिए काम करती है, एचडीपीआई मुसलमानों के लिए काम करती है पर्टिकुलरली। देखिए, हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा केयर किसको करता है? जो आईसीयू में एडमिट होता है पेशेंट उसको केयर करता है। आज कौम की हालत आईसीयू में है, इसलिए हमारा फोकस आईसीयू में जो पेशेंट है कौम फर्स्ट, ये जो मुस्लिम उम्मत है उसके लिए हमारा तवज्जो है। जो बाकी के जो कौम आईसीयू में नहीं है, आज देखिए दलित आगे है, आज देखिए लिंगायत आ गया है। आपको मालूम होना चाहिए ये लिंगायत कम्युनिटी आज़ादी के टाइम पर पिछड़े तबकात में इनका गिनती होता था, सिर्फ 70 साल में आज ये पिछड़ी तबकात आज अपर कम्युनिटी बन के उभरी है। एजुकेशन में इन्हों आगे हैं, बिजनेस में आगे हैं, और इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें इकोनॉमिक इनके जो पैरामीटर्स है उसमें आगे हैं। पिछड़ी तबकात कौन सी है सबसे ज़्यादा बोले तो वो है मुस्लिम उम्मा, इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो ऑब्वियसली हमारा जो पहला फोकस है ऑब्वियसली यही होगा। तो हम जब तक इनको आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड में नहीं लाते, हमारा केयर इनको ही होगा। जब इन जनरल वार्ड में आते, जब हम इंशाल्लाह सबको हम बराबर देखेंगे। ये बोलने के बावजूद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि साथ ही साथ स्टेट लेवल होंगे, नेशनल लेवल होंगे, तब भी जो पिछड़े तबकात के ऊपर जब भी इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हम जिस तरह मुस्लिम के इश्यूज़ उठाते हैं, दलित के इश्यूज उठाते हैं, बैकवर्ड इश्यूज के ऊपर उठाते हैं। देखिए, दलित के रिसेंटली जो प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज में जब रिजर्वेशन की बात आई थी, सबसे पहला कर्नाटक में दलितों को और पिछड़े तबकात को प्राइवेट में रिजर्वेशन के लिए हमने मांग की थी। और दलित खासकर जो दलित कम्युनिटीज़ के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जैसा हमारे बीजापुर के ऊपर, बीजापुर में एक हमारी दलित बहन के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, रिसेंटली जवरगी में जो हुआ था, बेंगलुरु में जो हुआ था, इवन जो नॉर्दर्न स्टेट्स में जब होता है, हम दलित इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। रिसेंटली मडिकेरी में दो दलित किसानों की गर्दन काटी गई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं की। हम लोग पदयात्रा निकाले, कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का पदयात्रा था, पदयात्रा निकाल कर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करो बोल के एसडीपी ने एक मुहिम डाली थी। हम लोग दलितों के ऊपर काम करते हैं, किसानों के ऊपर काम करते हैं, पिछड़े तबकात के ऊपर भी काम करते हैं, और खास और ट्राइबल्स के ऊपर भी काम करते हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखाती है। हम हमारे जितने भी सोशल मीडिया है उसके ज़रिए से मैसेज जाते हैं, और जो सेक्युलर तबकात है वो हमें मानता है कि हाँ ये सेक्युलर पार्टी है। ये जो बीजेपी आरएसएस की जो सोशल मीडिया है, हमारे को स्टीरियोटाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम को मालूम है कि एसडीपीआई एक सोशल और सेक्युलर पार्टी है। जिस तरह से आप एसडीपीआई को मुसलमानों के लिए काम करने वाली पार्टी बता रहे हैं, वहीं दूसरी भी ऐसे कई पार्टीज़ हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने आप को जो है ना यही कहती है कि मुसलमान आज परेशान है, इसलिए हम मुसलमानों की आवाज़ बनकर जो है ना ग्राउंड पर उतरे हैं। तो एसडीपीआई अगर खासकर गुलबर्गा शहर की हम बात करें, तो पिछले कई सालों से एसडीपीआई ग्राउंड पर जुड़ी है, लोगों से जुड़ी है, लोगों के इश्यूज़ पर काम करती है। हाल ही में आई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज उरूज पर नज़र आ रही है, एसडीपीआई जहां का वहां है, वजह क्या है इसकी? देखिए, मार्केटिंग का एक लफ्ज़ है, जो दिखता है वो बिकता है बल्कि है। उनकी मार्केटिंग अच्छी है,
और MIM और SDPI में यही फ़र्क है। SDPI एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हम कैडर्स को बनाकर उसको कैडर को लीडर बनाते हैं। MIM क्या एक फ्रेंचाइजी पार्टी है, उन्होंने किसी भी शहर में जाते हैं, एक बड़े आदमी को देखो फ्रेंचाइजी देकर आते हैं। फ्रेंचाइजी के तहत वो बड़ा आदमी अपने पैसे के रसूख में, अपनी ताकत के रसूख में पार्टी फैलाता है। जब तक पार्टी और वो जब तक गुड गुड रहते हैं पार्टी चलती है, जैसे उसको दूसरा मौका मिलता है वो जम मार के दूसरी जगह जाते हैं, पार्टी फिर बंद होती है, फिर दूसरा जना उसकी फ्रेंचाइजी लेता है, फिर पार्टी जीरो से शुरू होती है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कैडर बेस्ड पार्टी है, लीडर अगर छूट के गएंगे तो पार्टी आज जो है वही रहेगी। लीडर हमारे पास जाने से पार्टी ख़त्म नहीं होती। और MIM जैसी जो पार्टी है वो फ्रेंचाइजी पार्टी है, आज एक लीडर फ्रेंचाइजी लेता है फिर दो महीने के बाद दूसरा जन फ्रेंचाइजी लेता है। तो SDPI और MIM को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, जज्बा उनके भी मकसद वही होगा, हमारा भी मकसद वही होगा, काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को एक फ्रेंचाइजी बता रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, पार्टी का जो कैडर है, पार्टी के जो लोग फॉलोअर्स हैं, वो ये मानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी वाहिद एक ऐसा लीडर है जो मुसलमानों के लिए बात करता है। सही बात है, इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं सब जने मानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी मुस्लिम उम्मा के लिए, मुस्लिम इश्यूज़ के लिए बात करते हैं। वो कब मालूम पड़ा हमारे को? हालांकि 70 साल से असदुद्दीन साहब की पार्टी है, जब मीडिया प्रोजेक्ट करना शुरू करी कि असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम रहनुमा है, बल्कि मीडिया प्रोजेक्ट करना शुरू करी। हालांकि ये कब से शुरू हुआ? 2014 से शुरू हुआ। ये BJP गोदी मीडिया जो है उनको एक ऐसा लीडर चाहिए था BJP वर्सेस मुस्लिम करने के लिए, उनको एक ऐसा पार्टी और एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था कि उनके वोटर्स के लिए, उनके सपोर्टर्स को बताने के लिए एक आदमी चाहिए था। और वो आदमी उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रोजेक्ट किए हैं। वो फायदा क्या है उनको इस चीज़ों में, गोदी मीडिया का क्या फायदा? गोदी मीडिया और RSS BJP को ये फायदा है कि MIM और असदुद्दीन ओवैसी को बताकर हिंदुओं को इकट्ठा करने का उनका एक पॉलिसी है। यानी कि दीगर पार्टियों की तरह आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की वजह से BJP को फायदा होता है। अब नेशनल लेवल पे तो वैसे ही दिख रहा है, नेशनल लेवल पे तो उसी तरह का दिख रहा है, क्योंकि वो ज़मीनी सतह पे कोई बेसिक इश्यूज़ के ऊपर काम करते हम कभी नहीं देखे। जब इलेक्शंस कहाँ पर कोई स्टेट में डिक्लेयर होता है जब ही वहाँ पर जाते हैं, जब भी जाके सिर्फ इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की जो सियासत होती है वो ना उनका कैडर करता है ना वहाँ का लोकल लीडर करता है, सिर्फ वाहिद असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। SDPI में मजबूत क़यादत क्यों नज़र नहीं आती? वही बोल रहा हूँ ना, हम कैडर बेस्ड पार्टी है, सब लोग जानते हैं कि SDPI एक मजबूत पार्टी है, SDPI काम कर रही है। कहाँ मजबूत नज़र आ रही है कहीं पे? लेकिन आपका जो कैडर, तो ठीक है कैडर अपनी जगह सही है, लेकिन क़यादत आप स्ट्रांग क्यों नहीं करते? आपके पास मजबूत क़यादत नज़र नहीं आते जिससे लोग जुड़ें, जिसको लोग पसंद करें? आज तक हमने तो नहीं देखा, दीगर पार्टियों में देख लीजिए, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जैसे कि मैं बताया, आप बोल रहे हैं कि वो लोग पैसे वालों को देखते हैं, वहाँ पर फ्रेंचाइजी देते हैं, आपकी वो जगह आप बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एक मजबूत क़यादत को ढूंढने में कहीं ना कहीं कामयाब नज़र आती है ना, आप लोगों के पास क्यों क़यादत मजबूत नहीं होती? देखिए, लीडरशिप में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और लीडरशिप अलग अलग क्वालिटीज़ के होते हैं। एक होते हैं स्टार लीडर्स, एक होते हैं ग्राउंड लेवल लीडर्स। SDPI के बारे में सब लोग ये जानते हैं कि ये ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। SDPI किसी शख्स का नाम नहीं है, SDPI अच्छी है बोल के लोग बोलते हैं, SDPI ग्राउंड में काम करती है बोल के बोलते हैं, SDPI हर इश्यूज़ के ऊपर काम करती है बोल के बोलते हैं, लोग ही काम करते हैं ना, लीडर ही लीड कर रहे हैं ना इसको, कोई जिन्नात तो आके SDPI नहीं चला रहे हैं, लीडर ही लीड करते हैं। हाँ, वो लीडर प्रोजेक्ट नहीं हो रहे, उनको हीरो नहीं बना रहा है जा रहा है, उनको मीडिया के जरिए से उनका एक हीरो का जो इमेज है वो SDPI नहीं मानती है। SDPI प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के ऊपर विश्वास रखती है, ना कि लीडर को। अगर प्लेटफॉर्म मजबूत हुआ तो ऐसे 1000 लीडर बन सकते हैं, अगर लीडर मजबूत हुआ, प्लेटफॉर्म कमज़ोर हुआ तो लीडर क्या आलम, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को जंप मारता है, दूसरे से तीसरे प्लेटफॉर्म को जंप मारता है। हम ऐसे लीडर्स का बहुत मिसाल देते हैं, हम लीडर को मजबूत करने पे विश्वास नहीं रखते, हम प्लेटफॉर्म को मजबूत करना चाहते हैं। अगर प्लेटफॉर्म मजबूत हुआ ऐसे 1000 लीडर बना सकते हैं,
आज मुस्लिम कम्युनिटी को, पिछड़े तबकात को, दलित को मजबूत प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो लॉन्ग टर्म चले और ऐसे हज़ार लीडरशिप दे सकते हैं। बीजेपी और आरएसएस में यही उनके पास पॉजिटिव है कि उनके पास मजबूत प्लेटफॉर्म है। एल के आडवाणी जैसे लीडर को उन्होंने हटाकर आज पार्टी मजबूत है। असदुद्दीन अवैसी को हटाइए, एमआईएम आजिज बंद हो जाती। देवगढ़ा को हटाइए, जेडीएस आजिज बंद हो जाती। कांग्रेस में से गांधी फैमिली हटाइए, कांग्रेस बंद हो जाती। समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को हटाइए, पूरी समाजवादी पार्टी बंद हो जाती। एसडीपी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, आप लीडर को हटाइए, पार्टी बंद नहीं होती, पार्टी इसी काम चलती है। तो एसडीपी यही चाहती है कि प्लेटफॉर्म मजबूत हो, ना कि लीडर्स। लीडर्स क्या करते हैं, मजबूत होते साथ ही बंदर बन जाते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी। पार्टी मजबूत नहीं कर, पार्टी प्लेटफॉर्म मजबूत होना है, लीडर अपना आप मजबूत होता है। तो एसडीपीआई क्या करती है, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करती है। जब भी गुलबर्गा में काम होता है, कहीं भी काम होता है, एसडीपीआई वाले काम करे बोलते हैं, फला फला का नाम नहीं आता है। तो ये एडवांटेज है कौम के लिए। हम लीडर को हीरो नहीं बनाते, लीडर को लीडर ही रखते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस का जिस तरह से महामारी चल रही थी, हमने देखा एनजीओ फेडरेशन के साथ एसडीपीआई जुड़कर काम कर रहे थे, दीगर पार्टी के भी कुछ लोग नज़र आ रहे थे उसमें, साथ में एसडीपीआई का आपका जो कैडर था वो भी जो है ना ग्राउंड पर उतर कर काम कर रहा था। क्या लगता है आपको, जिस तरह से कोरोना की महामारी ख़त्म हुई है, महानगर पालिका का इलेक्शन आ गया है, तो इसमें क्या बेनिफिट आपको उस वक्त से नज़र आ रहा है? देखिए, एक कहावत है, शायद दिल को बुरा लगेगा, ब्राह्मण्स और लिंगायत दिन में तीन बार सोचती है, मुसलमान दिन में तीन बार बहकता है और तीन में तीन बार बिकता है। ये खौल है, बहुत ही कड़वी है लेकिन सच्चाई है। हम कितना भी काम करें, हम कितना भी अच्छा से काम करें, लेकिन एक ऐसा तबका है एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन से पहले सुबह में उनको जब तक पैसे नहीं मिलते वोट नहीं करते। ये रियलिटी है, नहीं ये हालात, ये रियलिटी है, हालात के जिम्मेदार कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, कई सालों से लोग परेशान थे, कोई ग्राउंड पे नजर नहीं आया। जब इलेक्शन खरीब आने का अंदेशा दिखा, सब लोग सोशल वर्कर बनकर ग्राउंड पे नजर आ रहे थे। ये हालात बनाने का जिम्मेदार सोशल पॉलिटिकल लीडर ही है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल पार्टीज ही ऐसे हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी से यहाँ के जो इलेक्टेड MLAs हैं नॉर्थ और साउथ के, लेबर डिपार्टमेंट से लेबर किट्स बांटे गए। ये लेबर किट्स क्या, ये MLA अपनी जेब से लिए हैं? इलेक्शन तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? हालांकि ये जो लेबर किट्स है कोविड में सैंक्शन वैसे होते, कोविड के जब पीरियड थी लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में, जब नहीं देकर, जब पब्लिक तकलीफ में थी, जब नहीं देकर इन्होंने रखकर कब दिए नो, अब दिए इलेक्शन से पहले। ये अवाम को समझना है, एक्सपीरियंस के हाथों बांटा गया। हाँ, वो भी एक्सपीरियंस के हाथों बांटा गया। और जो मुस्तहिक लेबर है, जिसके पास लेबर कार्ड है, उनको नहीं दे, एसडीपीआई इसके ऊपर उनको नहीं देकर किसको दिया, अपने जो वोटर्स हैं, अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनको दिया गया। आप एसडीपीआई हमेशा बीजेपी के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट एहतजाज करते नजर आ रही है, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो राशन पैकेट्स थे कांग्रेस नॉर्थ MLA की तरफ से, उनके एस्पिरेंट्स जो है ना बढ़ते नजर आए एरिया में, इलाकों में, आप लोग उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिए? देखिए, जिस तरह से हम बीजेपी को अपोज करते हैं, उसी तरह से कांग्रेस को भी अपोज करते हैं। जो भी प्रेजेंट रूलिंग पार्टीज हैं उनके खिलाफ बराबर एहतजाज करते हैं। गुलबर्गा में सबसे पहले हम ही हैं जो खमरुस्सलाम साहब जब मिनिस्टर थे, मिनिस्टर रहने के बावजूद भी हम उनके पुतला जलाए हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करे हैं, मुर्दाबाद बोले हैं। हमें डर किसी से नहीं है। हम प्रेजेंट MLA के खिलाफ भी बात कर रहे हैं और प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट और प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी खिलाफ बात किए हैं। हर इश्यूज़ के ऊपर हम टच किए हैं। जब ये जो लेबर इश्यूज़ के ऊपर हैं, बराबर लेबर इश्यूज़ के ऊपर भी बात किए हैं। दीगर जब दूसरे सोशल एक्टिविस्ट और दूसरे जब लीडर्स, उसके ऊपर जब हम काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि एक इश्यूज़ के ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं। जब कुछ लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट किए हैं। ज़रूरी नहीं कि चार चार पांच पांच लोग उसके ऊपर काम करें। अलहमदा गुलबर्गे में इतना अच्छा एक्टिविज्म हुआ है, इतने सोशल एक्टिविस्ट आए हैं कि हर एक इश्यूज़ के ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं, कोई इश्यूज़ के ऊपर वो नज़रअंदाज नहीं हो रहा है। आपको कांग्रेस पार्टी से नाराज़गी होगी, जेडीएस पार्टी से नाराज़गी हो सकती है,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नाराज़ी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये जो महानगर पालिका का इलेक्शन है, गली का इलेक्शन है, हो सकता है वो भी पार्टी से एक बेहतर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। तो क्या आपको अगर ऐसा पार्टी का कैंडिडेट नज़र आए जो कौम की कौम मिल्लत के लिए काम कर सकता है, तो क्या आप उसके लिए रज़्बदार हो सकते हैं? ये कैंडिडेट के ऊपर जाता है, जहाँ पर हम लोग ठहरे हैं, हमारा सेलेक्टेड वार्ड और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर हम फुल फ्लेज होकर उनके ऊपर काम करते हैं। जहाँ पर हमारा वोट है लेकिन हमारा कैंडिडेट नहीं है, तो वहाँ पर जो हमारी जो ब्रांच कमिटीज़ हैं, वहाँ के जो मोहल्ला कमिटीज़ हैं, हम उनके साथ मशवरा करते हैं। नहीं नहीं, मैं मशवरा कर कर वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप 14-15 कैंडिडेट खड़े करने वाले हैं। उस वार्ड से अगर आपको ऐसा महसूस हो कि दीगर पार्टी से जो कैंडिडेट है वो भी कौमी मिल्लत की फिक्र करने वाला है, तो क्या आप अपने कैंडिडेट को उसको सपोर्ट उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो कौमी मिल्लत के लिए काम करेगा? डेफिनेटली, हम वही वार्ड सेलेक्ट करते हैं जब हमारे ब्रांच से आता है। वो ब्रांच की जब आवाज़ आती है कि यहाँ पर कोई अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो लोग तैयार होते हैं कि इस यहाँ पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। पहला वार्ड सेलेक्ट करते हैं कौन, हम लोग नहीं करते, स्टेट लीडर्स नहीं करते, ना नेशनल लीडर्स करते हैं। वहाँ की जो हमारी जो गली की जो ब्रांच कमेटी है, वहाँ पर वो लोग तय करते हैं कि यहाँ पर अच्छा कायद नहीं है हमारे महल्ले के लिए, तो हम वार्ड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम महल्ले वालों के साथ मिलकर कैंडिडेट के सिलेक्शन पर जाते हैं। अगर वहाँ पर अच्छा कैंडिडेट है दूसरे दीगर सेकुलर पार्टी से, हम डेफिनेटली उसको सपोर्ट करते हैं। क्या मैसेज क्या देंगे लोगों को, जिस तरह से आपके 14-15 कैंडिडेट वहाँ पर खड़े हैं, तो लोगों का जहन, जिस तरह से आपने कहा कई हर वार्ड में ऐसे लोग हैं जो पैसा लाकर वोट डालने की जहन रखते हैं, हर वार्ड में ऐसे लोग हैं जो एक ग्रुप बनाकर जो है ना जाकर हमारे इतने वोट हैं बोलकर पैसा लेते हैं, हर वार्ड में कई ऐसे औरतें हैं जो बोकस वोटिंग कर कुछ पैसे कमाते हैं, तो ऐसे जब लोग हर वार्ड में मौजूद हैं, तो इसके बावजूद आप किस तरह से वहाँ से वोट लेंगे, क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, गुलबर्गा की अवाम को ख़ासकर हमें मालूम है कि कौन सा तबका पैसा लेके काम करता है। जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वही पैसा वोट लेकर वोट डालता है। उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, 500 से जो 1000 रुपये जो आपको एक दिन के लिए दो दिन के लिए चलते हैं, उसमें आप कितने दिन कमा खा सकते हैं, मौज कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के लिए आपको वो जो जिसको आप पैसे लेकर वोट डालते हैं, उन्हें आपके करोड़ों रुपए अपने जेब में रख रहा है, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा है, और आपको बेवकूफ़ बनाकर करोड़ों रुपए वो कमा रहा है, सिर्फ 500 रुपये 1000 रुपये आपको दे रहा है। और जो नौजवान जो कमिटी है, जो नौजवान जो ग्रुप है, जो 15,000-25,000 जो ग्रुप लेकर कैंडिडेट से खरीद लेते हैं, वो आप अपने जो मुस्तकबिल है आपका, आपका जो फ्यूचर है, आपका जो महल्ले की जो सेफ्टी है, आपके महल्ले का जो डेवलपमेंट है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप उसके बारे में सोचिए, आप उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। आपके जो 15,000-20,000-25,000 कौन गुटके को पैसे देते हैं, कौन रैली में जाने के लिए 200 रुपये देते हैं, उनके पीछे मत जाइए। महल्ले में कौन बेहतर कैंडिडेट है उसको चुनने के लिए आप मौका दीजिए। और जो बड़े जो महल्ले के जो बड़े अपने आप को ज़िम्मेदार मानते हैं, मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं, महल्ले के जो ज़िम्मेदार, जो अपर कमेटी, जो अपर लेयर के जो तबका है, ये लोग अपने रसूख के लिए मदद करते हैं, महल्ले के बेहतरी के लिए नहीं। ये कैंडिडेट मेरे साथ टैप है, मेरे बिजनेस के लिए सपोर्ट करता है, ये कैंडिडेट मेरे ख़ानदान का है, ये कैंडिडेट मेरे पहचानत का है, वो बेसिस पे क्या लोग उन्होंने सेलेक्ट करते हैं। आप महल्ले के बड़े हैं, आप महल्ले के ज़िम्मेदार हैं, मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि इतने जो पार्टीज़ हैं, इतने जो कैंडिडेट्स हैं, इसमें महल्ले के लिए कौन बेहतर है, महल्ले के लिए जो डेवलपमेंट के काम करता है उसके लिए क्या लोग आप प्रेफरेंस दें, ना कि आप ही करप्शन करें। ये लोग पैसे नहीं लेते बड़े लोग, लेकिन क्या लोग अपनी पर्सनल इंडिविजुअल पर्सनल के लिए क्या लोग सपोर्ट कराते हैं गरीब अवाम से। तो वहाँ पर ये जो अलग अलग तबका है, सब लोग अपनी मफाद के लिए काम करते हैं। अगर महल्ले के लिए मफाद के लिए काम करेंगे तो अच्छा कैंडिडेट आपके लिए आएगा, वरना फिर हम देखते हैं इलेक्शन होने के बाद फिर यही औरतें आपके सोशल मीडिया के सामने आके रोते हैं, हमारे रोड में पानी, हमारे महल्ले में रोड नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है, गंदा पानी पी रही हम, इलेक्शन जीते के बाद गालियाँ, बुरे बुरे गालियाँ देते हैं। आप ही पैसे लेकर उनको वोट डाल रहे हैं, आपके महल्ले के जो बड़े जिम्मेदार हैं उनको, उनके कहने पर आप वोट डालें, आप उनको जाके पकड़िए। तो मेरा यही गुलबर्गे के लोगों को कहना है कि 8 साल के बाद आपको एक बहुत बेहतरीन मौका मिला है, फिर पता नहीं फिर 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं कि 6 साल होते हैं कि फिर 10 साल होते हैं कि
एक अच्छा मौका है अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। गुलबर्गा शहर के जो 55 वार्ड्स को जो डिलिमिटेशन करके जो चेंजेस किए गए हैं, इसको SDPI किस नज़र से देखती है? देखिए, जो प्रेजेंट MLAs होते हैं ये लोग अपने फ़ायदे के लिए डिलिमिटेशन करते हैं। लोकल पॉपुलेशन को साइंटिफिकली डिवाइड कर उसको पब्लिक को किस तरह से बेनिफिट दिलाना, वो उस तरह से डिलिमिटेशन नहीं होता है। डिलिमिटेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि सही वार्ड्स बाउंड्री आए और उनका सही रिप्रेजेंटेशन हो। हम जब देख रहे हैं इस बार का जो डिलिमिटेशन हुआ है, मुस्लिम कैंडिडेट्स कितना कम से कम जीत कर आए इस बार, और एक ख़ास पार्टी से, खासकर BJP से किस तरह से ज़्यादा जीत कर आए, इस बार डिलिमिटेशन उस तरह से किया गया है। अगर आप देखेंगे डिलिमिटेशन उस तरह से किया गया है। अफसोस इस बात का है कि गुलबर्गा नॉर्थ में कांग्रेस की क़ियादत होने के बावजूद भी, खड़गे साहब रहने के बावजूद, प्रियंका साहब रहने के बावजूद भी, इस तरह का डिलिमिटेशन ये किस तरह से एक्सेप्ट किए हैं वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इनको खुद को मालूम है कि इस बार कांग्रेस के कम आएंगे, जिस तरह से डिलिमिटेशन हुआ है, उसके बावजूद भी इनकी जो सियासी बशारत है वो क्यों खामोश है समझ में नहीं आया। ऑब्जेक्शन डालकर इसको सही कराना था, ये लोग एक्सेप्ट किए कैसा किए वही समझ में नहीं आ रहा। नंबर 16 और दीगर ऐसे कई वार्ड्स आपको नजर आएंगे जहाँ पर, वार्ड नंबर 16 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी होने के बावजूद भी उस वार्ड को रिजर्व किया गया है निंगात सीट पे। तो इस ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर SDPI क्यों आवाज़ नहीं उठाई? SDPI इंडिविजुअली सिर्फ इसके ऊपर नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेशन DC साहब को गया था कि जो जहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल वार्ड नंबर 16 है, दीगर जो 3 वार्ड्स को हम लेकर नोटिफिकेशन के बाद मेमोरेंडम दिए थे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ये है और ये रिजर्वेशन जो आया है गलत आया है। उसके बाद कुछ लोगों ने कोर्ट को भी गया, उसके बाद कोर्ट के जरिए से जो चेंजेस आया है पूरी जगह नहीं आया है। जहाँ पर पॉलिटिकल सूटेबिलिटी जैसा है अपने हिसाब से सूट हुआ है, वार्ड नंबर 16 का भी चेंज होना चाहिए था, लेकिन वार्ड नंबर 16 का चेंज नहीं हुआ है। वो कांग्रेस गवर्नमेंट जो अपने आप को माइनॉरिटी मुसलमानों की हमदर्द मानती है, उसको किस क्यों एक्सेप्ट की वो समझ में नहीं आया। उसको फिर एक बार ऑब्जेक्शन डालना चाहिए था, अगर डालते तो डेफिनेटली कोर्ट के जरिए से कलम जस्टिस मिलती थी। तमाम हालात के वजह कौन है इसकी, तमाम वीक लीडरशिप, जिम्मेदार कौन है इसके, जिम्मेदार है वीक लीडरशिप। अगर लीडरशिप स्ट्रांग होती तो इस तरह का जो डिलिमिटेशन हुआ है और जो कैटेगरी जो रिजर्वेशन हुई है वो नहीं होती थी। सही जो लैंड जो डिलिमिटेशन हुआ है सही होती थी, और रिजर्वेशन जो वार्ड्स को किए हैं वो भी सही होती थी। आप कांग्रेस पार्टी से, आप जो BJP से नाराज हैं इसलिए आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दीगर कई ऐसे मुस्लिम बड़े दिग्गज लीडर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी को सेकुलर पार्टी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी कहकर जो है ना कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। देखिए, सब लोगों का अपना अपना मफाद है। सब लोग यही कहते हैं कि हम लोग कम्युनिटी के बेहतर के लिए वहाँ गए हैं। इवन जो मुस्लिम्स BJP में गए हैं, आप उनको जाके पूछिए आप BJP में क्यों गए हैं, वो भी यही बोलेंगे कि हम कम्युनिटी के भलाई के लिए गए हैं। तो सबका यही कट कॉपी पेस्ट सवाल है, लेकिन वहाँ जाकर किसकी भलाई के लिए गए हैं वो सबको मालूम होता है। तो सबका यही एजेंडा है, खुद को किस तरह से प्रोजेक्ट करो, कौन है फिर खुद को किस तरह से लीडर बनाओ। नेशनल लेवल पर अगर BJP को रोकना है तो तकरीबन लोगों का कहना है कि वाहिद कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल लेवल पर BJP को रोक सकती है। कौन कहते हैं? खुद के कांग्रेस के लीडर ही, उनके जो इंटरनल मीटिंग्स है वो लोग हाथ डाल चुके हैं। अब तक उनके पास वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है कोई ना, स्टेट में वीक लीडरशिप है उनकी, और सेंट्रल में भी उनकी वीक लीडरशिप है। कुछ चेहरों को लेकर कांग्रेस चल रही है, उनकी ना जो मेंबरशिप होती है, उनका जो ग्राउंड लेवल जो मेंबर्स होता है वो कब कहाँ जाता है किसी को नहीं मालूम। कांग्रेस से टिकट लेते हैं, कांग्रेस के सेक्युलरिज्म के ऊपर वोट लेते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? BJP को जाते हैं। जो कांग्रेस, जो पुराने जमाने की जो कांग्रेस थी, आज वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के कई लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी का ग्राउंड यहाँ पर बड़ा है, कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, कई एस्पिरेंट्स यहाँ पर हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तमाम
चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी एक लेडी MLA यहाँ पर हैं, तमाम चीज़ों को काफ़ी बैलेंसिंग में वो लेकर चल रहे हैं और जब से वो MLA बनी हैं तमाम चीज़ों को बखूबी अच्छे से वो निभाते आ रहे हैं। तो आप SDPI की क्या सोचा है इस पर? किसके बारे में? कांग्रेस की जो नॉर्थ MLA हैं कनीस फातिमा, एक लेडी होने के नाते वो जब से MLA बनी हैं कांग्रेस के कि कुछ लोगों का यह कहना है कि वो लेडी होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे से अपनी कमान को संभालते आ रही हैं, तमाम चीज़ों को जो है ना डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं कांग्रेस कनीस फातिमा के MLA पीरियड्स में, तमाम चीज़ें का बखूबी अच्छे हो रहे हैं। जो दीगर मुखालिफिन हैं वो लोग हमेशा से उनके खिलाफ वो तो नाराज़गी बताते ही आएंगे। देखिए कांग्रेस के लीडर्स ऑब्वियसली कांग्रेस के इलेक्टेड जो MLAs हैं उनकी तारीफ ही करेंगे, ये तो लिहाजी बात है। अगर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी अगर देखना शुरू करेंगे तो उनके पूरे MLA को घर में बिठाना पड़ेगा, इनके पूरे कॉरपोरेटर को घर में बिठाना पड़ेगा। उनके नाम उनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इलेक्शन जीतना बस इतना ही मकसद है। इलेक्शन जीतने के बाद कौन कॉरपोरेटर काम कर रहा है उनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस है क्या? ना कॉरपोरेटर का है, ना MLA का है, ना ग्राम पंचायत का है, ना TP का है, ZP का है। उनका मकसद चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, JDS हो, किसी के पास भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस या वो तरीका ही नहीं है। GDS पार्टी मुस्लिम लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रही है। जो हाल ही में आपने देखा गुलबर्गा से नासिर हुसैन उस्ताद को स्टेट माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। जब हमने गुलबर्गा हेडलाइन से बात करते हुए कुमार स्वामी ने बताया कि जितना हो सके मुस्लिम लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग यहाँ से JDS पार्टी की तरफ से किया जाएगा, तो आप इस JDS पार्टी के ताल्लुक से आपकी क्या सोच है? देखिए ये जो माइनॉरिटी लीडरशिप है ये जोक है। माइनॉरिटी कमेटी, माइनॉरिटी चेयरमैन, ये जोक है किसके ऊपर? हमारे ऊपर। मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है कर्नाटक में वो 16-17% है। 75-80 लाख मुस्लिम की पॉपुलेशन है कर्नाटक में। जनता दल जो वकीलिगा की जो पार्टी है उनकी पॉपुलेशन है 9-10%। वो लोग गौड़ा नाम पे वकीलिगा के नाम पर पार्टी बनाकर उनसे जो बड़ी कम्युनिटी है उसके कम्युनिटी के लीडर को आप माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट बोल रही है, जोक है। अगर उनको मुस्लिम ख्यादत अगर मजबूत करना था तो मेन स्ट्रीम में दीजिए। जैसे कि मेन स्ट्रीम का जनरल सेक्रेटरी बनाइए, मेन स्ट्रीम का स्टेट प्रेसिडेंट बनाइए। कितने जनरल सेक्रेटरीज हैं और वो जनरल सेक्रेटरीज के क्या पावर्स हैं? 15-15 जनरल सेक्रेटरीज हैं, 15-15 वाइस प्रेसिडेंट हैं। माइनॉरिटी का एक स्टेट प्रेसिडेंट होता है, 15-15 वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये खाली नाम को है। जैसा SC ST कम्युनिटी का सेल बनाते हैं ये पार्टीज वाले, ये एक्चुअली हमारे पास ये ऐसा रहना ही नहीं है। SC ST सेल, माइनॉरिटी सेल, अगर आपको वहाँ पर वो कम्युनिटी में लीडर बनाना है उनको मेन स्ट्रीम में लाइए। वकीलिगा के है 7-8%, उन्होंने मेन स्ट्रीम बॉडी चलाएंगे और आपकी पॉपुलेशन है उनसे 2 गुना ज्यादा और आपको माइनॉरिटी में रख रहे हैं। जैसा हॉल में शोकेस होता है और शोकेस में एक छोटा गुलदस्ता रखते हैं, उसी तरह से माइनॉरिटी का एक गुलदस्ता रखे हैं इतने बड़े हॉल में। हम कहते हैं इस तरह का ये जो नेमसेक जो पोस्ट हैं वो नहीं चाहिए। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में SC ST सेल नहीं है, हमारे पास दलित सेल नहीं है, हमारे पास माइनॉरिटी सेल नहीं है। जितने भी SC ST लीडर्स हैं मेन स्ट्रीम में है हमारे पास, जितने भी क्रिश्चियन के लीडर्स हैं मेन स्ट्रीम में है हमारे पास, इस तरह का सेल ही नहीं है हमारे पास। मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लीडरशिप कमज़ोर है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन का भी यही सोचना है कि गुलबर्गा में लीडरशिप कमज़ोर हो गई है, इसलिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन गुलबर्गा में आकर जो है ना यहाँ पर अपना उम्मीदवार मजबूत करके यहाँ पर स्ट्रांग लीडरशिप देने की कोशिश कर रही है। तो आपका क्या सोचना है इस पर? लीडरशिप सिर्फ इलेक्शन में याद आती है क्या? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो दो तरह की होती है, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और एजिटेटिव पॉलिटिक्स। एजिटेटिव पॉलिटिक्स जो 5 साल होती है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो 5 दिन की होती है। ये सिर्फ 5 दिन जो इस बार गुलबर्गा इलेक्शन को जो कैंपेनिंग के दिन दिए 5 दिन दिए हैं, सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स 5 दिन के है ना। सिर्फ मजबूत क़यादत 5 दिन के लिए होना है क्या? 5 साल के लिए क्यों नहीं? नहीं, जब जीत के आएंगे तो 5 साल वही ठीक है। अगर गलती से हार रहे के बाद क्या है? दुकान बंद, लीडरशिप ख़त्म। तो हम क्या कहते हैं कि लीडरशिप अगर देना है
तो इलेक्शन से पहले भी होना चाहिए और इलेक्शन के बाद भी होना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन को फोकस कर कर जो आते हैं वो लीडरशिप के जो क़ियादत देने के लिए नहीं आते हैं, अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए आते हैं और अपने इंडिविजुअल को हीरो बनाने के लिए, अपने इंडिविजुअल को एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए आते हैं। जब SDPI लीडरशिप पे बिलीव करती है, तमाम लोगों को लीडर्स बनाने का काम करती है, तो फिर SDPI स्ट्रांग क्यों नहीं हो रही गुलबर्गा में? होती है। देखिए, कैडरशिप बेस्ड पार्टी की यही एक खासियत होती है, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये बारिश के मेंढक के जैसा नहीं होता है, जब बारिश आती जब उछल के नहीं आते हम लोग। हमारी जो हम पहला कैडर बनाते हैं और कैडर को कल का लीडर बनाते हैं, ये एक प्रोसेस होता है। लीडर बनाना आसान नहीं है। गांधी जी जो पूरे इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर बने हैं, वो एक दिन से नहीं बने, उनको पूरी ज़िंदगी खप गई है जब जाके लीडर बने उन्होंने। नहीं, देखिए, तो लीडर बनने के लिए या कौम का अगर लीडर बनना है तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, कुर्बानियाँ देना पड़ता है, तो जब जाके लीडर बन सकते हैं। पैराशूट के जैसा लीडर को थोपा नहीं जाता, लीडर नीचे ज़मीन से बन के आता है। कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आज एस्पिरेंट बने हैं कॉरपोरेशन के, वो लोग पहले कांग्रेस से ट्राई कर रहे हैं, फिर JDS से ट्राई कर रहे हैं, फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ट्राई कर रहे हैं, अगर वहाँ से उनको मौका नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना पसंद कर रहे हैं, लेकिन SDPI से वो लोग जुड़ना पसंद नहीं कर रहे। वजह क्या है इसकी? ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट SDPI को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और हम लोग कंसिडर भी कर रहे हैं। उनका जो सोशल एक्टिविज्म का जो बैकग्राउंड है, उनको देखकर हम उनके लिए कैंडिडेचर के लिए बात भी कर रहे हैं। और अगर हमारे को कांग्रेस के बाद या BJP के बाद अगर हमारे को इस तरह से अगर ऑप्शन में रखे, तो ऐसे हम जो एक्टिविस्ट हैं उनको हम नहीं रख रहे हैं। अगर वो एक्टिविस्ट जो सही प्लेटफॉर्म को अगर नहीं जानता हो, उसकी कदर कौन करता है उसको अगर नहीं जानता हो, तो इसका मतलब एक्टिविस्ट नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर वो अपना बताने के लिए 3 महीने पहले एक्टिविज्म शुरू किया है। सोशल एक्टिविस्ट अब गुलबर्गे में 6 महीने से जो आए हैं, ये इलेक्शन कॉरपोरेशन इलेक्शंस डिक्लेयर हो रहे हैं बल्कि ही आए हैं। अब हमें इलेक्शन के बाद देखना है इसमें से कितने लोग टिकेंगे, उसके बाद हम उनको एक्टिविस्ट बोलते हैं। एक्टिविस्ट का मतलब हरकत ही जो हमेशा रहता है, सिर्फ सीजन की तरफ, सीजन में जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको एक्टिविस्ट नहीं कहते, उनको मफाद परस्त कहते हैं। जब SDPI की तरफ से इतनी तहकीक कर कर, इतनी जांच पड़ताल कर कर जब आप उम्मीदवार खड़ा करते हैं, तो इससे पहले भी हमने देखा था कि SDPI से एक उम्मीदवार आपने खड़ा किया था, जब वो जीत कर आया तो वो SDPI की छोड़कर कांग्रेस में चला गया। जब आप इतनी जांच पड़ताल करते हैं तो चूक कहाँ हुई आपसे? क्या आपका कोई पार्टी का कोई दबाव था? क्या आपकी पार्टी से कुछ उनके ऊपर प्रेशर था जो वो छोड़ने पर मजबूर हुए? देखिए, इलेक्शन से पहले हम लोग लोगों के लिए, लोगों में जाकर कुछ वादे करते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे जीतने के बाद। अगर हमारा कैंडिडेट, चाहे कोई भी होंदे, हमारा होंदे या दूसरा कोई भी पार्टी का होंदे, अगर वो कैंडिडेट जो वादे पार्टी करती है और पार्टी के स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं चलता है, तो वैसे कैंडिडेट को पार्टी नहीं रखती है। क्योंकि हमारे, हम कुछ बोलकर कैंडिडेट उसको जिताते हैं, तो हमारा जो लास्ट टाइम का जो कैंडिडेट है उनमें और हमें आइडियोलॉजिकल, हम जो चाह रहे थे कि हमारा जो कैंडिडेट इस तरह से काम करे, हमारा कैंडिडेट उस तरह से काम करे, वो हमारे एक्सपेक्टेशंस को नहीं आ रहे थे। इसलिए जीतने के बावजूद भी हमारे से उन्होंने निकल गए, हम पार्टी से उनको निकाले हैं। वरना दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कांग्रेस में हम देखते हैं या दूसरे दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज में देखते हैं, काम करें दे नको करें दे, उन्होंने अपना नंबर रखने के लिए अपने पास रखते हैं। SDPI नंबर के लिए काम इलेक्शन नहीं लड़ती, SDPI हमारा जीते तो बस बोल को नहीं लड़ती। अगर वो कैंडिडेट नहीं जीता तो उसको पार्टी से निकालने की भी ताकत रखती है। देखिए, जिस तरह से आप SDPI ग्राउंड पर जो है ना कैंडिडेट्स को उतारी है, यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तमाम जो आपके कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से वो लोग ग्राउंड पर काम करें और लोग उनको अगर वोट डालना है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले SDPI वो नोट फॉर वोट की राजनीति नहीं करती है। हमारे पास जब हम कैंपेनिंग करते हैं, घर के औरतें जो हमारे से फ़ायदा लिए हैं राइट टू एजुकेशन के ज़रिए से, हेल्थ स्कीम्स हम जिसके घर को दिए हैं, उतना सब हम काम करने के बावजूद भी जब हम वोट पूछने जाते हैं ऐसे घर को,
जब वो जब पैसे पूछते हैं बहुत तकलीफ होती है हमें, जब हम उन्हें इतना हजारों लाखों का फायदा दिलाने के बावजूद भी सिर्फ 200 रुपये 500 रुपये जब डिमांड करते हैं, हमें दिल से बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की होती है कि हमारी कौम, हमारे जो जो वोटर है उसकी हालत क्या हुई है, इसको हम कैसे एजुकेट करना है। तो हमारा जो बहुत सारा जो वक्त है ये जो अवाम को एजुकेट करने में भी जाता है। कि मेरा रिक्वेस्ट है गुलबर्गा के अवाम को कि इस बार नोट फॉर वोट ना दीजिए। अगर आप 500 रुपये लेकर आप वोट बेचेंगे तो 5 लाख रुपये से ज़्यादा आपका जो कॉरपोरेटर कॉन्ट्रैक्टर बनकर खाएगा। जो रोड नल पानी का जो मसले हैं आपके, वो कभी सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो जो कॉरपोरेटर को बिजनेस हो गया गुलबर्गा में, 50 लाख रुपये डालो करोड़ों रुपए निकालो। अब जब उन्हें 50 लाख रुपए डालने के बाद आपके रोड नल पानी बोले तो सुनता क्या हूँ? वो जो 50 लाख रुपए डाला, कब का वो 50 लाख का 5 करोड़ करूँ, उसमें उसका दिमाग रहता है। आज भी ऐसे कई वार्ड्स हैं जहाँ पर पिछले कॉन्ट्रैक्टर्स ही जो है ना इस बार फिर से उम्मीदवार बने हैं, तो लोगों का बड़ा हुजूम उनके साथ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? लोगों का हुजूम नहीं है, वो लोग जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स के जो चमचे हैं जिसको फ़ायदा होता है वो लोग ही उनके साथ हैं। अवाम इस बार इनके साथ नहीं है। इस बार अवाम क्लियर डिफिनेशन दी है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है। तो इस बार अवाम गुलबर्गा की कॉर्पोरेटर को ही चुनाएगी, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं चुनाएगी। देखिए हर बार जो है ना यहाँ पर बीजेपी से डराकर माइनॉरिटीज के वोट लिया जाता है, उसके बाद कई ऐसे इशूज़ हैं जहाँ पर माइनॉरिटी नाराज़ होकर सड़कों पर उतरकर एहतजाज करते नजर आई है, उसके बाद भी उस इशूज़ पर काम नहीं किया गया। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उर्दू बोर्ड कर लेकर बड़ा एजिटेशन यहाँ पर किया गया था, गुलबर्गा को कलबुर्गी करने पर जो है ना माइनॉरिटीज़ यहाँ पर काफ़ी नाराज़ हुई थी। आज भी एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं उर्दू बोर्ड वहाँ पर निकाल कर फेंक दिया गया था, और गुलबर्गा को जो कलबुर्गी किया गया है, ये तमाम चीज़ों का कौन जिम्मेदार है, इसका कौन इसका जिम्मेदार है? और आवाम इतना नाराज़ होने के बावजूद भी वही पार्टियों को सपोर्ट करती है जो उनके जो ये तमाम इश्यूज़ को फुलफिल नहीं करती। आपने एक बेसिक इश्यू के ऊपर सवाल किया है। सही में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं और जिसे हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, उलेमा कहते हैं, इनको सियासत सीखे ही नहीं है। 70 साल से दूसरे कम्युनिटी सियासत सीखे हैं। सियासत के ज़रिए से किस तरह से अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना है उन्होंने सीखे हैं। हमारी जो इंटेलेक्चुअल तबका है, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, हमारा जो बिजनेसमैन तबका है, हमारा जो लीडर्स हैं, इन्होंने सही सियासत सीखे ही नहीं है। हम कांग्रेस को वोट डालना सीखे हैं और हम समझते हैं कि अगर कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो बीजेपी को कमज़ोर करेंगे। हालांकि बीजेपी क्या कहती है कि ये कांग्रेस मुस्लिम की पार्टी है। मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए, हम जितना कांग्रेस के नज़दीक आएंगे उतना हिंदू कांग्रेस से दूर होगा। हम जितना कांग्रेस के नज़दीक जाएंगे हिंदू उतना कांग्रेस से दूर होगा। इसीलिए मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स को अपनी सियासी जो सोच है उसको चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों को कांग्रेस से दूर होना है, हम लोगों को JDS से दूर होना है, हम लोगों को हमारी खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाना है। तो जब जाकर हिंदू के आलम कांग्रेस के नज़दीक आएगा बीजेपी छोड़कर, वरना बीजेपी हिंदू के माइंड में बिठा दिया है कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए है, जनता दल मुसलमानों के लिए है। तो हम उनकी जो चाल है उसको कामयाब नहीं करना है, हम उल्टा उनकी कामयाब चाल को कामयाब कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमान कांग्रेस और JDS से दूर होगा, जब बीजेपी को हिंदू है जो सही में सेकुलर है, जो सही में देश का जो होता है, बीजेपी का असली चेहरा छोड़कर ये जो JDS है कांग्रेस को जाएगा। आपने अभी उलमा इकराम का जिक्र किया, हम भी जब कवरेज करने जाते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हम पॉलिटिकल स्टेज पर जो है ना कई उलमा इकराम को देखते हैं, कई उलमा इकराम सड़कों पर उतर कर जो है ना किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो है ना सपोर्ट करने की बात करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद देखते हैं दूसरे दीगर कैंडिडेट के पास साथ धर कर फिर उसके लिए सपोर्ट करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर उलमा इकराम का भी एक रेट तय किया जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है उलमा इकराम को, अपने स्टेजों पर लाकर अपने लिए अपने मुफाद के लिए जो है ना उनको जो है ना अपील करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वोट के लिए। तो उलमा इकराम का एक ऐसा मुकाम होता है कि उनकी बात को जो है ना लोग गौर करते हैं, तो जब उनके उलमा इकराम को भी जब यहाँ खरीदो फरोख्त की जा रही है तो इसके ऊपर क्या कहेंगे?
ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, कुछ 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 लोग बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको कहा कुछ स्टेज पॉलिटिकल स्टेज पर जो उलमा कराम कुछ उलमाज अपनी अपनी मफाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी उलमाज के आलम खामोश है। उनकी भी गलती है, इनकी भी गलती है। वो लोग अपने मफाद के लिए जाकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं और ये लोग खामोशी इख्तियार कर रहे हैं अपने मफाद के लिए। अपने मफाद मतलब हम क्यों जाना है इस चीज़ में, सियासत हमारी नहीं है। कहीं कुछ चुप इनसे उनसे हम बुराजगी करना है। ये लोग खामोश होकर कौम का बुरा कर रहे हैं और वो लोग पैसा लेकर इनको उनको गलत क़ियादत को सपोर्ट कर उन्हों बुरा कर रहे हैं। तो उलमाए कराम एक जगह बैठ कर सियासी जो सोच है उसके ऊपर तवज्जा करें, कौम को किस तरफ लेके जाए, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर उम्मत को सही अगर लेके गएंगे तो उम्मत का भी बहुत उसके में फ़ायदा होगा और ख़ुद उनका भी क्या बोलते हैं जो उनके नाम पर जो उंगलियां उठा रहे हैं ये उंगलियां उठना कम हो जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जिस तरह से यहाँ पर कमान संभाली गई है नॉर्थ में, जिस तरह से काम हो रहा है, क्या लगता है आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस क्या यहाँ पर अपने कदम जमा पाएगी? देखिए कुछ सीट्स तो जीतेंगे, अब वो कितने जीतेंगे वो इलेक्शन के टाइम पे ही मालूम पड़ेगा। कुछ इलेक्शंस तो जीतेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा जीतेंगे। इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप कर मेजॉरिटी में तो नहीं है कि नॉर्थ से, तो ये तो सबको मालूम है। इस बार वोट्स डिवाइड होंगे और सब पार्टीज के लिए पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मेयर बनाने की ख्वाहिश की जा रही है। हाँ, सब सेक्युलर पार्टीज मिल इस बार सब सेक्युलर फ्रंट मिलकर क्या मालूम एक मरतबा मेयर बनाने के ये चांसेस है, लेकिन किसी एक पार्टी का चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो इस बार किसी का एक पार्टी का मेयर नहीं बनेगा, एक अलायंस के तौर पर ही मेयर बनेगा ऐसा लग रहा है। रहीम पटेल साहब, जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले हाल ही में देखा है कि आपने एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के तहत जो है ना कई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़कर एक आपने फ्रंट बनाया था, उसके तहत आप महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ने वाले थे, तो आज वो फ्रंट नज़र नहीं आ रहा, आप लोग इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रहे हैं, वजह क्या है इसकी? यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट 2 साल बनाया गया था गुलबर्गा कॉरपोरेशन इलेक्शन को देख कर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब साथ में एक प्लेटफॉर्म पर हैं। देखिए मुसलमानों का एक डिमांड था कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते, हमारे पास इत्तेहाद क्यों नहीं है, यूनिटी क्यों नहीं है, बल्कि सवाल हमारे अवाम का ही था। तो वो सवाल का जवाब देने के लिए जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, SDPI है, WPI है, मुस्लिम लीग है और GDP बल्कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी है उसको लेकर हम लोगों ने एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट एक यूनाइटेड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया है। अलायंस में क्या बोलो, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम एक दूसरे को जहाँ पर हम कैंडिडेट नहीं डाले हैं वहाँ पर उनके कैंडिडेट को हम सपोर्ट करेंगे ताकि हमारे जो मुस्लिम यूनिटी का एक मुजाहरा हो और आवाम जो कहती थी कि यूनिटी होना है आज वो यूनिटी का एक एग्जाम्पल दिए हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल गुलबर्गा की लोग गुलबर्गा इलेक्शन में दिखा सकती है जो बार बार कहती है कि इत्तेहाद होना है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके साथ जुड़े थे ना, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, MIM स्टार्टिंग जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बन रही थी हमारे डिस्कशन में साथ में थे वो लोग, फिर बाद में वहाँ से हैदराबाद से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अच्छा। तो वो लोग अलग ही जा रहे हैं, लेकिन बाकी के जो दूसरे जो चार जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं SDPI WPI IUML और GDP हम लोग चार साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो आखिर में जो महानगर पालिका के जो वोटर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, गुलबर्गा हेडलाइंस के जो व्यूवर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार के इलेक्शन में? भाई गुलबर्गा के वोटर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि 8 सालों के बाद, बहुत ही इंतज़ार के बाद आपके पास एक मौका आया है कि आप बेहतर अपने महल्ले के लिए एक बेहतर कैंडिडेट और बेहतर कॉरपोरेटर चुने, ना कि कॉन्ट्रैक्टर चुने। एक बेहतरीन ऐसा लीडर चुने जो जीतने के बाद भी 5 साल आपके साथ रहे, ना कि फिर उसको ढूंढते हुए आप उसको दूसरे एरिया में जाकर उसको तलाश करना पड़े। तीसरा, आपके मसाइल जो है आपका कॉरपोरेटर हल कर सकता है जब वो सही आप उसको चुनेंगे, वरना फिर वही
आप सोशल मीडिया पे 5 साल वही रोना पड़ेगा, हमारे पास गंदा पानी आ रहा है, हमारे पास रोड नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पीएचसी सेंटर नहीं है, कॉरपोरेशन से कुछ भी हमारे को फ़ायदा नहीं है। गुलबर्गा कॉरपोरेशन महानगर पालिका है, एक फॉग मशीन है, हंसी की बात है। इतने कॉरपोरेटर्स हैं कांग्रेस बीजेपी जेडीएस के, एक अभी तक एक फॉग मशीन हमारे पास महानगर पालिका, तबकि 15 से 16 कर फॉग मशीन गुलबर्गा में होना चाहिए था। तो ऐसे कॉरपोरेटर्स को भेजिए जो आपके बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए कॉरपोरेशन में जीपी जो मीटिंग होती है उस पर पेश करें और अपने महल्ले के लिए और शहर के लिए काम करें। एक बेहतरीन मौका है, इस मौके को गरीब मत जानकर इसका फ़ायदा उठाइए, वरना फिर 5 साल रोना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।